वो ये बता दें कि इस वक्त अगर कोई बेचना चाहे या लेना चाहे, इस वक्त रेट क्या चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खलील ख़ान और आप देख रहे हैं के पंजाब टीवी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी के हवाले से, तो उस हवाले से आज हम जो अपडेट देने वाले हैं आपको करीम हाउसिंग के अंदर गुलशन इलाही और मुस्लिम सिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन करंट रेट के साथ और पोजीशन के साथ जो भी टोटल डिटेल इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो आप स्किप ना करें क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करके कम से कम टाइम की बनाने की कोशिश करी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 13 मिनट के अंदर टोटल मकान जो बनना स्टार्ट हुए हैं, टोटल इंफॉर्मेशन के साथ ये मैंने वीडियो बनाई है ताकि आपका टाइम ज़ाया भी ना हो और टोटल इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाए। तो इसी हवाले से आज चलते हैं वहाँ पे, नज़ीर भाई होते हैं, वो हमें टोटल अपडेट देंगे। आपको कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं, कमेंट वैसे आप कर दें किसी हवाले से भी, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट करें, कमेंट में भी जवाब देंगे, व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी जो भी इस वक्त करंट इसकी अपडेट है, इस वीडियो के अंदर आपको टोटल इसमें मिल जाएगी। मकान भी इस वीडियो के अंदर दिखा दे देंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो अपडेट के साथ लाता रहूं। पहले भी मेरी वीडियो बन चुकी है, बहरहाल कुछ चैनल पे इशू आ गया था जिसकी वजह से काफ़ी अरसे से ये चैनल बंद था, बहरहाल अब ये चालू कर दिया है। तो इंशाल्लाह इस पर हर नई अपडेट इस पर आपको मिलती रहेगी। हम कंप्लीट वीडियो बनाते हैं फुल इंफॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खलील ख़ान और आप देख रहे हैं के पंजाब टीवी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी के हवाले से, उसी हवाले से आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है गुलशन इलाही और मुस्लिम सिटी की, क्योंकि इसकी न्यू अपडेट अब क्या है, मकानात बनना स्टार्ट हो गए हैं। आपने भी अभी इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि मकान बनना स्टार्ट होंगे, गेट से आगे तक की आपको मैंने वीडियो दिखाई। तो यही जब हम देख रहे थे तो मैंने कहा हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पे, वक़ार भाई होते हैं और नज़ीर भाई होते हैं अल अज़ीज़ इंटरप्राइजेज, इनका पहले भी इस चैनल पे इंटरव्यू डला हुआ है। तो उस हवाले से हमने कहा इनसे कुछ सवालात हैं, न्यू अपडेट क्या आई हैं, क्या इनके हवाले से जो भी अपडेट है हम इनसे इंटरव्यू लेंगे और इनसे पूछेंगे कि इस वक्त इसके करंट रेट क्या हैं, क्या पोजिशन है, क्या तरीक़ेकार है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये मेरा चैनल काफ़ी अरसे से बंद था, अभी मैंने दोबारा शुरू करा है। तो इंशाल्लाह इस पे जिस भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब हम बहुत ही अच्छी अच्छी सोसाइटियों का आपको विज़िट कराने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नज़ीर भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा नज़ीर भाई, आज हम इस हवाले से आए हैं क्योंकि अभी हम यहाँ से आ रहे थे करीम हाउसिंग का, जैसे ही गेट इंटर करा तो गुलशन इलाही में दाखिल हुए, तो उसके साथ ही मैंने देखा कि मकान बन रहे हैं, मकान बनना स्टार्ट हो गए। तो हमने कहा कि आज नज़ीर भाई से, पहले भी नज़ीर भाई का इंटरव्यू डला हुआ है जैसे, तो आज आपसे फिर नई जो अपडेट है उसके हवाले से हमारे व्यूवर्स को थोड़ा आगाह करें कि इस वक्त क्या पोजीशन वगैरह और बाकी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो गई, क्योंकि घर बनना स्टार्ट हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सोसाइटी वालों ने अभी पोजीशन दे दी है, 3-4 घर जो है वो अब शुरू हो चुके हैं, ठीक है, तकरीबन 15 से 20 लोगों को पोजीशन मिलकर मिल चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छा चल रहा है, काम भी लोग भी आ रहे हैं। सही। अच्छा दूसरी चीज़ मुझे ये बता दें, क्योंकि पिछले जब हमने अपडेट डाली थी तो चैनल के इशू की वजह से कुछ थोड़ा टाइम भी हो गया है, लेकिन ये है कि उस वक्त रेट जो थे कुछ अलग थे, इस वक्त रेटों में डिफरेंट हुआ है इस वक्त, बल्कि मुझे ये बता दें रेट थोड़ा सा अपडेट कर दें कि इस वक्त करंट रेट क्या है, क्योंकि अगर कोई व्यूवर मुझे कोई फाइल या कोई नंबर आप, बल्कि आपका भी नंबर स्क्रीन पर चला देते हैं, तो ये बता दें कि इस वक्त अगर कोई बेचना चाहे या लेना चाहे, इस वक्त रेट क्या चल रहे हैं? इस टाइम जो चल रहे हैं सर, ये तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए 120 गज के हैं। सही है। और 240 गज के 30 से 35 लाख रुपए हैं।
बाकी लोकेशन वाइज है, जिस तरह की लोकेशन उसी तरह के पैसे हैं। कमर्शियल वगैरह की कटिंग है यहाँ? जी जी, 120 गज कमर्शियल है, 80 गज है और 400 गज की एसबी है, इसमें होता है। सही सही। अच्छा, दूसरा मुझे ये बता दें कि मुस्लिम सिटी का इस वक्त क्या अपडेट है? मुस्लिम सिटी का जो है पोजीशन तो नहीं दे रहे, लेकिन ये कि उसमें चल रहा है, लेना बेचना मकसद चल रहा है। अच्छा, मतलब सेल परचेज हो रही है। सेल परचेज हो रही है। सही सही सही। तो मुख्तलिफ रेट हैं, 80 गज के चल रहे हैं अभी 3.5-4 लाख रुपए। सही। और 120 गज के तकरीबन 5.5-6 लाख। सही सही। उसमें भी कमर्शियल वगैरह की कटिंग है? जी जी, कमर्शियल है। अच्छा, दूसरा नज़ीर भाई, मुझे आजकल जो कराची के अंदर सबसे बड़ा इशू चल रहा है ना, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट का, बल्कि मैंने विजिट भी कराया वीडियो के अंदर, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये कि बहुत अच्छे अच्छे और हाई लेवल के उनके रेट हैं, और उनकी गलियों में जाओ तो बाइक से ऊपर कोई गाड़ी जा नहीं सकती। इसका मुझे बता दें कि इसका इन्होंने प्लान किस तरीके से कराए, गलियां कितनी चौड़ी है, क्या कैटेगरी है? नहीं नहीं सर, ये बहुत अच्छी सोसाइटी है, ठीक है। इसमें कम से कम जो गली है 30 फीट की है, ज़्यादातर गलियां 40 फीट की हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, आपकी गाड़ी आराम से घर के अंदर भी जा सकेगी और गली में भी खड़ी करना चाहे, कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छी सोसाइटी है, मैं कहता हूँ लोग आए, आके पहले देखें इसको। सही सही। ठीक है, खुद विजिट करें, लोगों को सही समझ में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप वीडियो के अंदर भी आपने देखा कि मेन रोड तो अच्छा बना हुआ है, लेकिन बाकी भी जहर सी बात है, जब आबाद होता है तो रोडें वगैरह भी बन जाती हैं। बहरहाल, इन्होंने रोड का तो अच्छा काम करा हुआ है, स्ट्रीट लाइटें वगैरह भी लगाई हुई है इन्होंने। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि इस वक्त इसके अंदर लाइट है? नहीं, अभी लाइट नहीं है फिलहाल। अच्छा, स्ट्रीट लाइटें जलती हैं, ये सही है। अच्छा अच्छा, सही सही। बाकी सभी लाइन डली हुई है, पानी की लाइनें डली हुई हैं, गलियाँ पक्की होनी है सर, कारपेट होनी है, बाकी सब काम हुआ हुआ है। अच्छा अच्छा। दूसरा मुझे ये बताएं, अक्सर सोसाइटी में यही होता है कि जब मकान बनना स्टार्ट होते हैं तो तभी फिर पानी वगैरह लाइनें वगैरह वो चलाना शुरू करते हैं, क्योंकि पानी वेस्टेज जाता है। तो ये बताएं, क्या उम्मीद है कि अगर घर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे अभी स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि 5 से 7 घर तो बन ही रहे, तो ये बताएं जैसे घर बनना स्टार्ट होते हैं तो पानी वगैरह ये लाइन वगैरह? पानी की लाइनें डली हुई हैं, चालू अभी नहीं हुआ, लेकिन जब घर बन जाएंगे, लोग आबाद होंगे तो चालू कर देंगे। तो अभी जो ये घर बनना स्टार्ट हुए, क्या टैंकर वगैरह है? हाँ, सोसाइटी वाले खुद भी दे रहे हैं। अच्छा, सोसाइटी वाले टैंकर दे रहे हैं। सही, जबरदस्त। ये कि जो आबाद हो रहा है उसको सोसाइटी वाले जब तक लाइनें चालू नहीं होती पानी देंगे टैंकर का। सही, बिल्कुल। तो भाई, जिसके पास भी अगर कोई प्लॉट है बनाना चाहता है तो गुलशन इलाही के अंदर जैसे घर बनना स्टार्ट हो गए, आप भी बना सकते हैं। बहरहाल, कुछ लोग बैठ बैठ कमेंट करते हैं कि भाई आप प्रमोशन कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। बात ये है कि आप आएँ, खुद विजिट करें, आप देख सकते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है नज़ीर भाई, कि कोई बंदा अगर जॉब करता है या कुछ भी करता है तो वो घर बैठे उनको अपडेट मिल सके। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है हम वो अपडेट दे देते हैं, ताकि वो घर बैठे उनको मालूमात हो सके, नहीं तो फिर वो धक्के ही खाना। अब जो बंदा सीवीओ वाली साइड पे रहता है 20 से 30 किलोमीटर, वो यहाँ पे आते आते उसका पूरा दिन का उसको प्लान करना पड़ता है। तो हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद होता है, ताकि आपको ताज़ी जो अपडेट है वो मिल सके। बाकी आपको, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर तो ये चल रहा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। जो भी इस वक्त करंट पोजीशन जो होगी हम इंशाल्लाह वो गाइड करेंगे, बाकी आप कमेंट भी कर सकते हैं। अभी नज़ीर भाई चलते हैं जहाँ पे मकान बन रहे हैं, फिर भी आप हमें वो मकान का विजिट करा दें। अंदर आ गया वीडियो इस बंदे का इंटरव्यू लाजमी लेना है। हमें नहीं बंद करवाना चाचा। चल आता है, ठीक है।
ये बाकी कहाँ बन रहे हैं? आगे कहाँ पे? वो वाला जिस पर? अच्छा, और ये पीछे भी तो शायद एक बन रहा है। कितने गज का है? अच्छा, 240 गज। हाँ तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि बोलते हैं मगर वो बने हुए नहीं है। बहरहाल ये घर यहाँ पे एक 240 गज का एक घर ये स्टार्ट हो गया है, और एक घर ये पुराना बना हुआ है, एक हमारी बैक साइड पे उसकी भी तकरीबन प्लिंथ लग रही है, और इसके साथ चार पांच मकान आगे भी बन रहे हैं। तो सबको तो दिखा नहीं सकते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बड़ी वीडियो कोई देखता नहीं है। बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घर बनना स्टार्ट हो गए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कोई ये प्री कास्ट वाला नहीं बन रहा, आरसीसी मकान बन रहा है। ये शटरिंग भी पड़ी है, सरिया भी पड़ा है, क्योंकि कुछ लोग बैठ बैठ कमेंट करने वालों को मौका ही मिल जाता है, जैसे कि क्योंकि वो बोलते हैं बस ऐसे आर्जी तौर पर बना रहे हैं। आर्जी तौर पर नहीं है, यहाँ पे जो बंदा बना रहा है उससे हमारी बात हुई है, तो वो आरसीसी ही बना रहे हैं, क्योंकि सामने सामान पड़ा हुआ है, आप खुद भी देख सकते हैं। और जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, कभी इधर नहीं है, बोला नहीं साइड पे नहीं जाऊँगा मैं। हाँ, इस घर में बैठा हुआ है, हमारे ऑफिस में बैठा हुआ है। अच्छा। हाँ, जब तक हम मकान की तरफ चलते हैं, इतनी देर में आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अभी ये भी देख सकते हैं आरसीसी मकान स्टार्ट हो गया, पिलर वगैरह और प्लिंथ वगैरह इन्होंने भर दिए। अच्छा, सबसे मेन जो बात थी वो ये बात है कि कोई भी गुलशन इलाही के अंदर अगर मकान बनाना स्टार्ट करना चाहता है तो अपनी फाइल वगैरह लेके आए, वहाँ से पोजीशन लें, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कोई टेंशन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अलाजीज़ स्टेट पर आ जाएँ, वहाँ पर नज़ीर भाई होती है, नज़ीर भाई से रब्ता करें। तो कंस्ट्रक्शन का जिस भाई को भी काम देना है तो वो नज़ीर भाई को दे दें, सब कुछ अरेंज करवा के दे देंगे आपको। कहीं अगर दूर से भी आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे किसी किस्म की टेंशन नहीं है, और बिला झिझक बेफिक्र होकर आप नज़ीर भाई को काम दे सकते हैं। और नज़ीर भाई का नंबर मैंने स्क्रीन पे चला दिया।